आसंता 24 घंटे लघुचापर रूप नेब घूर्णिबल उपकूल उत्तर उपकूल ओडिशा रे हेबो अधिक वर्षा चारिटी जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क जारी करिछि पानीपाग विभाग 48 घंटा पर्यंत समुद्र को न जिबाकू मत्स्यजीवी को बारण करा जायछि। सेबडे आभ्यंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा कमिथिबा बेले नवंबर पहिलारु बढ़िबो शीतर प्रकोप। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिबलय आसंता 24 घंटा भितर लघुचापर रूप नेब जहार प्रभाव में सारा राज्य में सोमवार सन्ध्यार वर्षा आरंभ हो बोली आंचलिक पानीपा केन्द्र पक्ष सूचना दिया जाइछि। विशेषकर उपकूल ओडिशा एवं उत्तर उपकूल ओडिशा रे यार प्रभाव में अधिक वर्षा हो जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर और भद्रक प्रबल वर्षार आशंका करिछि पानीपाग विभाग। भुवनेश्वर और तार आखपाख अंचल सोमवार संध्या और राति वर्षार पूर्वानुमान पवन बेग अधिक रहा सहित तो समुद्र अशांत रहा जो 48 घंटा पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाक बारण कर अभी काल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट सेंट्रल वेपर था अभी वो है वो ईस्टर्लीज पे जो एम्बेडेड है तो इसका प्रभाव में नेक्स्ट 24 आवर्स में लघुचाप और लो प्रेशर एरिया बन सकते हैं वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट वे पे तो इसका प्रभाव में ओनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेगा और नॉर्थ कोस्टल में 48 आवर्स में डे टू में नॉर्थ कोस्टल में मेनी प्लेसेस लाइट टू मॉडरेट रहेगा बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड मीन्स एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। अनेपटे ओडिशा रे प्रवेश करिछि शीत लघुचाप वर्षा जोगु खसीछि राज्यर तापमात्रा दिनरे तापमात्रा स्वाभाविक रहितबा बेले रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 2 डिग्री कम रहिछि। 31 तारीख पर्यंत लघुचापर प्रभाव रे आकाश मेघाच्छन्न जोगु उपकूल अंचल रे तापमात्रा स्वाभाविक रहितबा बेले आभ्यंतरीण रे 3 रु 4 डिग्री कम रहिछि तापमात्रा तबे सोमवार ठारु आहुरी कमी पारे पारद नवंबर पहिलारु सारा राज्य रे तापमात्रा कमिबा सहित शीतर प्रकोप बढ़िबो सकाळु सामान्य कुहुडी मध्ये रहिबो विंड एंड डे टेंपरेचर कम था तो पूरा नाइट में थोड़ा कोल्ड फीलिंग इसलिए हुआ है और नेक्स्ट दो दिन तक कोस्टल एरिया में नॉर्मल ही रहेगा। इंटीरियर एरिया में 1-2 डिग्री बिलो नॉर्मल हो सकता है। आज जो स्थिति है इसमें इंटीरियर ओडिशा में 1-2 डिग्री बिलो नॉर्मल है कोस्टल ओडिशा नॉर्मल है तो अभी अगला 2-3 दिन नॉर्मलाइज रहेगा उसका बाद फिर 1-2 डिग्री फॉल होने का संभावना है। गत 24 घंटे विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार परिमाण रेकर्ड कर पारादीप सर्वाधिक 11 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो मंगलवार उत्तर उपकूल में अधिक वर्षा रही पाणीपाग विभाग स्पष्ट कर। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रशांत मंडलों निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया।